प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी मजे में कर रहे होंगे। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को रिपोर्ट राइटिंग सिखाने वाला हूँ। बच्चों, ये जो टॉपिक है, आप सभी का बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल 4 नंबर का पूछा जाता है। तो भैया, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 5 ऐसे रिपोर्ट राइटिंग बताने वाला हूं जो कि हर साल पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना है, क्या तरीका अपनाना है, टॉपर कैसे लिखते हैं और एग्जामिनर क्या देख करके पूरा नंबर देते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 5 रिपोर्ट राइटिंग को समझने का प्रयास करते हैं। और मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा भी कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करना है और टॉपर कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तैयार करके जाना है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे। इस टॉपिक आपको तैयार करके चले जाना है, सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। आप सभी को 80 से लेकर के 100 शब्द के अंतर्गत इस रिपोर्ट राइटिंग को तैयार करके जाना है। और ये जो टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। हर साल आपको इसमें से कौन सा हेडिंग लिख करके जाना है, देखो, डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग का किस प्रकार से, किस तरीके से डेकोरेशन किया जा रहा है, सजावट किया जा रहा है, उस पर तैयार करना है। साथ में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, ठीक है। उसके बाद से सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, जो भी आपका राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, उसपे किस प्रकार से गाया जा रहा है, कौन कौन सा गीत प्रस्तुत किया जाता है, सब कुछ तैयार करना है। साथ में ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके बारे में तैयार करना है। प्रिंसिपल स्पीच, प्रिंसिपल के जो भी स्पीच होते हैं उसपे तैयार करना है। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, और हम सभी जानते हैं कि जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो सभी बच्चे मिठाइयों के लिए वेट करते हैं, तो कौन कौन सी मिठाइयां बांटी जाती है, सब कुछ आप सभी को टॉपिक तैयार करके जाने हैं। ओके, चलो अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द एन इलेक्शन सीन। किसी भी इलेक्शन का सीन क्या क्या होता है, क्या क्या घटना घटती है, सब कुछ तैयार करना है इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। इसको भी 80 से लेकर के 100 शब्द में तैयार करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहला जो हेडिंग लिखना है ये टाइम एंड प्लेस, किस समय होगा, कहाँ पे होगा इलेक्शन, उसके बारे में। साथ में सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, ठीक ना, पोलिंग स्टेशन का जो भी सीन लिया जाता है, फोटोग्राफ किया जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, सब कुछ आपको उसमें दर्शाना है। सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ, जो भी पोलिंग बूथ से जो भी आसपास जो क्षेत्र होते हैं वहां का सीनरी वगैरह वीडियोग्राफी के बारे में बताना है। साथ में पोलिंग मेथड, किस प्रकार से आपका वोट पोलिंग हो रहा है उसको तैयार करना है। साथ में अरेंजमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक ना, कि किस प्रकार से वहां पे जो भी व्यवस्थापक होते हैं, किस प्रकार से इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बारे में तैयार करके चले जाना है। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक तैयार करके जाना है, इस पे रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द टीचर्स डे। बच्चों, ये जो टॉपिक है हर साल पेपर में पूछा जाता है, ठीक ना, टीचर्स डे पे आपको तैयार करना है। सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100 वर्ड्स, मतलब सबको 80 से लेकर के 100 शब्द में लिखना है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक बताना है, स्कूल डेकोरेशन, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल, स्पीच बाय चीफ गेस्ट और स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना, इस प्रकार से आपको तैयार करके चले जाना है। चौथा आपको तैयार करना है कि यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑन योर स्कूल ऑन 15 जनवरी दिस ईयर, द एनुअल स्पोर्ट्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल, प्रिपेयर इट रिपोर्ट ऑन द फंक्शन, ठीक ना, आपको इस फंक्शन पे तैयार करके चले जाना है। ये भी आप सभी का उतना ही नंबर का पूछा जाता है, इसको भी 80 से लेकर के 100 शब्द में लिखना होगा। ठीक है, और अंत में आपको क्या तैयार करना है भाई, इस पे पांचवा जो कि इम्पोर्टेंट है ये वाला कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द पुअर बस सर्विसेज, इस पे पुअर बस सर्विसेज ऑन द लोकल रूट इन योर एरिया, कि आपके एरिया में जो भी पुअर बस यानी खराब स्पीड चल रहा है उस पर आपको तैयार करके जाना है।
और बच्चों इतना तो आपको टॉपिक तैयार करके जाना है, लेकिन मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको तैयार करके जाने हैं। तो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं टीचर्स डे पे, ठीक है, यानी शिक्षक दिवस पे आप सभी को किस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना। सबसे पहले हेडिंग लगा लेना है टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ये आपका हेडिंग हो जाएगा और इसी में आपको यहाँ पे लिखना है। अच्छा, कैसे लिखना है ये मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, जितना जानते हो अपने से बना करके लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई एबीसी एसडी सिंह स्कूल, ठीक ना, 6 सितंबर ऑन द ऑस्पिशियस, और आपने यहाँ पे कॉलेज का स्कूल का नाम लिख देना और किस डेट को हो रहा है, ठीक ना, 6 तारीख को या 5 तारीख जो भी हो रहा है वहाँ पे बता देना डेट वगैरह। लिखेंगे की केयरमनी सिनेमनी लाइक टीचर्स डे वी द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th डिसाइडेड टू डू समथिंग, पर बहुत कुछ अच्छा स्पेशल करने का प्रयास कर रहे हैं, वेरी स्पेशल फॉर आवर टीचर्स, ठीक है। फर्स्ट वी डेकोरेटेड ऑन द गार्डन एरिया एंड डिसाइडेड टू द होल्ड आवर फंक्शन देयर। द सेरेमनी स्टार्टेड एट 8 इन द मॉर्निंग विद अ प्रेयर सॉन्ग ऑफ ऑल आवर रिस्पेक्टिव टीचर्स, देन फॉलोड बाय एन इनोवेटिव इनॉग्रेशन वेयर द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास डिलीवर्ड अ स्पीच अबाउट श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट ऑफ हिम वॉज गिफ्टेड टू आवर डियरेस्ट प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, देन इट वॉज फॉलोड बाई आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल स्पीच अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ द टीचर्स डे। मतलब देखो जो भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो किस लिए बनाया जाता है उनके बारे में आपको जितना समझ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सेम सेम यही जाकर कर के छापना नहीं है, अपने मन से भी बना करके बातें लिख सकते हो। तो भैया इस प्रकार से आप सभी को एक एक टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन शॉट ले लो, इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिखना। इट वॉज कंडक्टेड बाय अ ब्यूटीफुल कथक परफॉर्मेंस, मतलब कथक परफॉर्मेंस के बाद स्टार्ट हो गई कार्यक्रम, साथ में अ कॉमेडी स्किट एंड अ चोरस सॉन्ग, ठीक है, ऑल डेडिकेटेड टू द हीरोज ऑफ आवर लाइफ, जो भी हमारे जिंदगी में जो भी हीरोज हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको उससे डेडिकेट होकर तैयार करना है द टीचर्स। This was followed by the distribution of cakes and sweets to little students. वहाँ बहुत ही कम मात्रा में जो छात्र आए हुए हैं उनके लिए मिठाई वितरित किया गया and seniors के लिए, ठीक है। All the students and teachers returned to the schools in second half. Everybody was very happy and content at the end of the day. इस प्रकार से हमारा जो कार्यक्रम था समाप्त हो जाता है। तो भैया इस प्रकार से आप सभी को पांचों टॉपिक पे तैयार करके चलाने जाना है और इस प्रकार सबको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।